मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि जब शराब दुकानों के खुलने का निर्धारित समय कम कर दिया गया था तो इनके ठेकों की पूर्व निर्धारित रकम क्यों नहीं घटाई गई। चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ल की डिवीजन बेंच ने मंगलवार सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। लॉकडाउन के चलते 40 दिन दुकानें बंद रहीं, अब इन्हें खोलने की अनुमति भी दी गई तो कठोर शर्तों के साथ। इसके तहत जबलपुर, भोपाल आदि शहरों इलाकों में अभी भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां इजाजत दी गई है वहां भी महज 4 से 5 घंटे शराब दुकानें खोली जा सकती हैं। आहता के संचालन पर भी अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसके चलते याचिकाकर्ता ठेकेदारों को तगड़ा नुकसान हो रहा है, फिर भी राज्य सरकार ने ठेकों की निर्धारित राशि कम करने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। आग्रह किया गया है कि ऐसे याचिकाकर्ताओं के लिए पूर्व में तय की गई ठेकों की राशि को नुकसान से उचित अनुपात में कम की जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।